इंदौर शहर में खाद्य विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की बेकरियों पर छापा मारा है। छापे के दौरान बेकरियों पर खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में गंदगी मिली है। खाद्य सामग्री में गंदगी देखकर अधिकारी भी हैरान हो गए। ब्रेड पर चिंटियां चल रही हैं और लेबर मेले कुचले कपड़े पहनकर टोस और ब्रेड बना रहे थे। जिला प्रशासन की टीम एसडीएम अंशुल खरे, तहसीलदार रेखा सचदेव, फूड सेफ्टी अधिकारी मनीष स्वामी ने चंदन नगर थाना क्षेत्र के दो बेकरियों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें रॉयल और गार्डन बेकरी का नाम। यहां अधिकारी ने देखा कि ब्रेड पे चींटियां चल रही हैं, टोस्ट पर ब्रेड में सेकरीन मिलाया जाता है। ब्रेड बनाते समय स्वच्छता का ध्यान भी नहीं रखा जाता, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है। अधिकारियों ने शंका जाहिर की खाद्य पदार्थों में अमोनिया के मिलने के संकेत मिले हैं, जिसका उपयोग टोस्ट बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ श्रम विभाग को बताई गई संख्या से अधिक लेबर भी पाए गए। के कलेक्टर सर के दिशा निर्देश में पूरे ज़िले में ये कार्रवाई की जा रही है। आज जो बेकरी पे हम लोग गए थे तो चंदन नगर क्षेत्र में दो बेकरियों पे गए, पहला था आपके A1 और दूसरा है ये रॉयल जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे हैं। अब अनियमितताओं में कुछ चीज़ें हमें जैसे मिली, जैसे अमोनिया हमें A1 में दिखा जिसका इस्तेमाल पर संदिग्ध था, तो उसका सैंपल लिया जा रहा है। उसके अलावा जो एसेंस और जो कलरिंग एजेंट होता है उसके भी हमें क्वालिटी में शक था। उसके अलावा जो ऑयल वहाँ पे यूज़ हो रहा है, पाम ऑयल था, उसका भी हमने सैंपल लिया है। वैसे ही यहाँ पे रॉयल जो है यहाँ पे भी हम लोग इसी के रिलेटेड सैंपल्स ले रहे हैं। शेकरिंग का मामला जिस तरीके से मार्केट में देखा जाता है और बाल छोटे सबसे वो भी सबसे ज़्यादा वो रहता है, तो शेकरिंग को लेकर कुछ निकला है क्या? सैकरीन को लेके हम लोगों का कुछ स्परियस मेटल मटेरियल मिला है हमें, जिसमें हमें लग रहा है कि वो सैकरीन है, लेकिन इन लोगों का दावा है कि वो शुगर है, इसलिए हमने उसका सैंपल लिया है और फिर वो लैब रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि वो पिसी हुई शुगर है कि सैकरीन है। रॉयल पे जब आप काम आ रहे थे, मैंने कई सिलेंडर देखे हैं जो आउट डेट रखते हैं, जो फायर अभी हम लोग ने जो नोटिस किया वो ये देखा कि ये सारे के कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं। बाकी चीज़ों पे भी अभी फूड टीम लगातार काम कर रही है, तो उस पर जो भी होगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे। फायर सेफ्टी का जो मैटर है उसमें ये देखा गया है कि उतनी एहतियात नहीं बरती गई है यहाँ पे। सर यहाँ पर इतने मजदूर काम कर रहे हैं, इन लोगों की जान माल का भी खतरा बना रहता है, दूसरा ये जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ये लगभग कानूनी के आसपास ही है, तो सर ऐसे में इन लोगों को क्या करेंगे? अभी इसकी जांच चल रही है, बाकी हम लोग ने इनका फूड लाइसेंस और गुमास्ता लाइसेंस को भी चेक कर रहे हैं कि उसकी वैधता कब तक की है और क्या उसमें भी कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ये पूरी चीज़ें अभी लगातार चेक कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम अभी यहीं पर लगी हुई है। गुमास्ता में सर देखने में मिला है कि जैसे लाइसेंस के वहाँ 4 लोगों का है और यहाँ काम करने वाले कम से कम 20 लोग हो रहे हैं, तो उस पर लेके क्या कार्रवाई करेंगे? जी वही, एक्चुअली वही हम लोग पहले उसको वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही हम लोग उस पर कुछ निर्णय ले पाएंगे।